है। अब ये क्या हो गया, प्याज हो गया। अब जैसे हम लोग लिखते हैं पत्ता का, अभी कोई लिखेगा नहीं कॉपी में, ये सिर्फ अभी आपको मैं समझा रही हूँ। 127 चैप्टर 51 पेज नंबर 51। ता में बड़ा की मात्रा, पत्ता। अगर हम लोग पूरा पा फिर ता और फिर ता में बड़ा की, तो ये क्या होता, पत्ता। क्या बन जाता ये, पत्ता। ये तो पत्ता, पहला वाला पत्ता है। क्यों? क्योंकि ये आधा ता है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो प ता ता, तो ये हो जाएगा पत्ता, और आधा ता लगाएंगे तब क्या बन जाएगा, पत्ता। प त ता, पत्ता। ये हो गया तता, और ये तत्ता, यानी पत्ता तत्ता। दोनों में बहुत फर्क हो रहा है ना, आधा ता है तो हम बोलेंगे त, और पूरा ता है तो हम बोलेंगे ता, है ना। तो ये कौन से शब्द हो गए, आधे आधे व्यंजन के शब्द हो गए। सबसे पहले डेट लिखिए, व्हाट इज द डेट टुडे, कौन बताएगा, व्हाट इज द डेट टुडे, 27। कौन सा मंथ चल रहा है, 27। सुन लिया, सुन लिया बेटा। चलिए अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, आ बड़ा आ, धा, धा में एक ही मात्रा, आधे, डेट मत डालो डायरेक्ट, आधे व्यंजन, ठीक है, आधे व्यंजन का प्रयोग क्या बना है, हेडिंग लिखिए आधे व्यंजन का प्रयोग, मतलब आधे शब्द का, जो आधे वाले अक्षर होते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे प्याज, अन्य, राज्य, विघ्न, सच्चा, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं डिब्बा, तो डिब्बा में भी क्या होता है, हेडिंग लिखा आप लोगों ने, मैम आकाश, नो मैम मेरा नहीं हुआ, यस मैम। देखिए इसको हम जोड़ कर लिखेंगे, आधे व्यंजन का प्रयोग जोड़ कर लिखो, नीचे लिखिएगा, दूसरी लाइन में लिखिएगा जोड़ कर, जोड़ कर लिखो, आधे व्यंजन का प्रयोग जोड़ कर लिखो। जल्दी जल्दी करिएगा, देखिए सा प्लस हम लिखने जा रहे हैं सच्चा, सा आधा चा प्लस पूरा चा, और चा में बड़ा की मात्रा, तो स च चा, आधा चा को बोलेंगे च धीरे से, और पूरा चा को बोलेंगे चा, तो क्या क्या बना, सच्चा, है ना। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले आप लिखेंगे स, फिर लिखेंगे आधा चा और पूरा चा और बड़ा की मात्रा, तो क्या बना, सच्चा। लिखिए जल्दी से,
बहुत स्लिप कर रहा है ना। आप देखिए ब प्लस ता प्लस ता प्लस आधा चौ कैसे लिखता है? आधा चौ ऐसे लिखा है, देखो आधा चौ ऐसे लिखा है, ये वाला ये देखिए आप लोग। नहीं नहीं ऐसे डाल दो। आधा व्यंजन लिखने के लिए जैसे कि चा बना रहे हैं ता बना रहे हैं, सामने देखिए आप पूरा चा ऐसे लिखते हैं ना, आधा चा सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे, इसमें लाइन स्टैंडिंग लाइन हम नहीं बनाएंगे इसमें, तो ये आधा चा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया देवो? आप देखिए ब ये क्या है, ब तो तक तक, तो क्या बन गया बत्तख, क्या बन गया बत्तख। ब आधा ता पूरा ता खा, लिखे बत्तख। अब बिल्ली, बिल्ली बिल्ली में भी क्या होगा, आधा ला लगता है, तो बाबा में छोटे की मात्रा बी प्लस ला और प्लस ली, क्या हो गया बिल बिल ली बिल ली बिल्ली। देखिए बिल्ली, बिल्ली हो गया। अब लिखिए मां प्लस आधा का प्लस पूरा का और का में बड़ा की मात्रा, तो ये क्या हो गया मक का, मक का बिल मक्का, मां आधा का और पूरा का, क्या हो गया मक्का मक्का। बड़ी किसमें ये वो है अब देखिए जब आप लोग बच्चा लिखते हैं है ना, जैसे हम लोग छोटा बच्चा है तो बच्चा बोलते हैं ब पूरा चा और चा में बड़ा की मात्रा, तो ये तो हो जाता है बच्चा, लेकिन हमें क्या बोलना है बच्चा, तो उसमें क्या लगेगा आधा चा, ब चा बच्चा। ठीक है, तो अब लिखिए ब प्लस आधा चा प्लस पूरा चा और चा में बड़ा की मात्रा, क्या हो गया बच्चा बच्चा। भैया मिल्क ले लो, आप देखिए इसको साथ से हम लोग पढ़ेंगे, सा प्लस आधा छा पूरा छा ऐसे होता है और आधा छा ऐसे होता है ना, सा आधा छा
पूरा अच्छा चार में बड़ा आके मारता तो क्या बन गया सच्चा बत्तख। बाबा में बड़ी की मात्रा बी आधा ला पूरा ला ला में बड़ी की मात्रा तो बिल बिल्ली बिल्ली लाउड। जल्दी जल्दी लिखिए मैं आखिरी वाला तो आखिरी वाला है बच्चा किसी को दिख नहीं रहा है क्या मैम क्या? कौन बोल रहा है मैम को क्या होगा क्या कहाँ पर बेटा बताइए सच्चा ये सच्चा है ये बत्तख बिल्ली बिल ली बिल्ली मक्का बच्चा हो गया सबका नो मैम जल्दी जल्दी करिए अभी दूसरी चीज भी आप लोगों को लिखनी है बत्तख सबका कंप्लीट हो गया यस मैम रफ कर दूं सुंदर से लिखा धीरे दूसरी हेडिंग लिखिए कॉपी में दूसरी हेडिंग लिखिए खिलाओ खिलाओ पेज पलटिए आप लोग देखिए शब्द और दो लाइन यहाँ की देख यहाँ की जो लाइन शब्द देख कर बनाओ चित्र बनाओ यहाँ से नहीं तो कहाँ शब्द देख कर चित्र बनाओ आधा बो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाइए है ना घर में प्रैक्टिस करा करिए लिखने की ताकि आप लोग जल्दी जल्दी लिखना सीखे अब आप लोग वन में जाएंगे ना देखिए शब्द देखकर चित्र बनाओ यहाँ पर मैं शब्द लिखूंगी अब आपको उसको पढ़ना है और उसका चित्र बनाना देखो ठीक है छोटे की ना मात्रा बोल रहे हैं आगे से आवाज आ रही है अरे बिल अदलो प्लस अदलो ऐसे देखे अब यहाँ पर मैंने लिखा जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ठीक है चलिए आकाश आप बताइए क्या लिखा है और खुद से पढ़ के बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया वाह आधा ता पूरा ता और ता में बड़ा की मात्रा तो क्या शब्द बनाइए सुनाई नहीं दिया मुझे आकाश शौर्य शौर्य आप बताइए क्या लिखा हुआ है ये बड़ी की बड़ी की मात्रा दो लौ पर शौर्य वर्मा मैं बोल रही हूँ बताइए बेटा ये क्या लिखा है बिल्ली
क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए। पत्ता, क्या लिखा हुआ है ये? पत्ता। अब हमें यहाँ पे लिखा है पत्ता, आप लोगों ने पत्ता देखा है जिसको हम लोग पत्ती कहते हैं, पेड़ में होती है ना पत्तियाँ। यस मैम। हमें यहाँ पे किसका चित्र बनाना है? पत्ते का। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, पहले ऐसे ऐसे लाइन बनाइए, बिल्कुल इजी इजी बताएंगे, ठीक है? उसके बाद इसको ऐसे करिए और हल्का सा ऐसे करिए, फिर उसके बीच में एक और लाइन करिए, ठीक है? क्या बन गया ये? पत्ता। ठीक है, आधा ता है ना, पत्ता में कौन सा ता होता है? आधा ता और पूरा ता, पत्ता। अब हम क्या बनाएंगे? गा। गा में छोटा ऊ की मात्रा, आधा छ, तो क्या हो गया? गुड। गुड, छा में बड़ा की मात्रा, क्या हो गया? गुच्छा। अब देखिए, आप लोग अंगूर खाते हैं? यस मैम। अंगूर, अंगूर कौन कौन खाता है? सब लोग खाते हैं? Yes, ma'am. बताइए, तो अंगूर जो होता है वो कैसे होता है? ऐसे गुच्छे में होता है ना? पहले ऐसे लाइन बनाइएगा। इधर कोई देखे, अंगूर ऐसे गुच्छे में होता है कि नहीं? एक साथ कई सारे अंगूर होते हैं, अलग अलग अंगूर नहीं होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो यहाँ पे मैंने गुच्छा लिखा है, लिखे गा, गा में छोटा ऊ की मात्रा, छ, छ, छ में बड़ा की मात्रा, गुच्छा। ये छोटा ऊ की मात्रा है ना कि बड़ा ऊ की मात्रा है? अब ये बताइए, प्याज, प्याज तो सबके घर में होती है ना, सभी लोग सब्जियों में यूज करते हैं, है ना? आधा पा या जा, प्याज। देखिए इसको अगर हम पूरा पा लिख देते तो ये हो जाता पा, लेकिन आधा पा है तो प्याज। प्याज बनाइए। पहले ऐसे ऐसे लाइन बनाइए, ऐसे छोटी छोटी ऐसे लाइन बनाइए, फिर उसके बाद ऐसे बनाइए। प्याज क्या है ये? प्याज। मैं मेरा हो गया। प्याज हो गया, वेरी गुड देबो। अब देखिए, भुट्टा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मक्का, है ना? या माँ, आधा का, पूरा का, कामे बड़ा की मात्रा, मक्का। देखो मैम कैसे लिखे हैं, उनको देखो, देख के फॉलो करना चाहिए। अब कैसे लिखे हैं मैम? ये क्या है? मक्का। माँ, आधा का और पूरा का, मक्का। आधा का पूरा का लिखो। अच्छा अच्छा, लिखो मक्का बना दो। एक लाइन ऊपर से जाएगा। वेरी गुड। नीचे और एक तो साइड में। ऊपर करो, हम नीचे जाओ।
मैम मेरा हो गया। वेरी गुड दीबो, सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, ये बताइए किसको समझ में नहीं आया, आधे व्यंजन का प्रयोग करना किसको समझ में नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। रेनबो। कोई ऐसा है जिसका कंप्लीट ना हुआ हो? कोई बच्चा ऐसा है जिसका कंप्लीट ना हुआ हो? सॉरी, आपका कंप्लीट हो गया? सॉरी है ओशीन, अभी नहीं हुआ, कर लीजिए। हो गया। विहान नक्श, हो गया? विहान एंड नक्श आपका? ओशीन मैम, हो गया मैम, सबका कंप्लीट हो गया? चले ठीक है, अब आप लोग आधे व्यंजन वाले ये जो चैप्टर है ना, इसको घर में पढ़िएगा, ठीक है? देखिए, इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? रीड करिएगा, जैसे प्याज, अधन, य, अन्य, रा, रा में बड़ा की मात्रा, रा, च्य, य, राज्य, ठीक है? विघ्न, ता, कौन आवाज कर रहा है? पहले मैम बोलती हो तो आधा खा और ता में बड़ा की मात्रा, तो त, त, ख, त, तख्ता, ठीक है? सच्चा, डिब्बा, लच्छा, ग्वाला, बग्घी, ज्वाला, छत्ता। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, घर में इसको रीड करिएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो मम्मी की या पापा की किसी की भी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है? तभी तो आप लोगों को रीड करना आएगा ना। ओके चिल्ड्रन, तो अब आपकी क्लास ओवर होने जा रही है। बाय बाय बच्चों। मैम मेरा एग्जाम डेट भेज दीजिएगा। देवो अभी आपको मैं भेज दे रही हूँ, ठीक है? ओके, तुरंत भेज रहे हैं आपको। थैंक यू।